मैं जब भी उसे देखता एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त मैं यही सोचता कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा हुआ है। वो डर मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया हो। पता नहीं कब ये डर इसकी जिंदगी से निकलेगा, निकलेगा भी या नहीं ये तो गॉड ही जाने। उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। मैं उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझता था। आखिर उस वक्त वो ही तो थी जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार मेरे फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें रॉबर्ट, उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा बेटा जो अभी सिर्फ एक साल का ही था उसका नाम रॉबिन था, और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक जिसे वो प्यार से पायल बुलाते थे। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी रॉबर्ट रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वो लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। मैरी भी अपने दोनों बच्चों क्रिश और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने लगी थी। मैरी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैरी पर आ चुकी थी। मैरी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी मैरी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते थे, लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगता। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी पायल को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी पायल भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैरी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश न आने के कारण बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं। कभी कभी मैरी को ये भी लगता था कि रॉबर्ट और रोजी पायल को रॉबिन के पास भी नहीं जाने देते थे। एक बार जब मैरी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी पायल एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और मैरी को दिखाने लगी। मैरी आंटी, लुक, इट्स माय न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल, चहकते हुए पायल बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम तुम्हारे जैसी, कहते हुए मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ले ली। जैसे ही मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और पायल से बातें करने लगी, बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डॉल ने अपनी पलके झपकाई हो। मैरी एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। मैरी अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी पायल की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। आंटी, क्या हुआ, आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या?
आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी डॉल को मैरी के हाथों से लेते हुए पायल बोली। जैसे ही पायल ने अपनी डॉल मैरी के हाथों से छीनी तो मैरी उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूही की आंखों में थोड़ा गुस्सा और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी मैरी ने। उसे इस तरह देख मैरी थोड़ा सहम सी गई थी। मैरी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से पायल का सर सहलाया और उससे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है। मुझे भी क्रिस्टीना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है। उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो गिफ्ट देना है उसे। तो मुझे बताओ कि आप ये डॉल कहाँ से लेके आए? जब मैरी ने उसका सिर सहलाया तो पायल एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले दूसरी जगह रहते थे, तब एक म्यूजियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूजियम, वहीं पर ये डॉल थी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब मैरी ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूजियम में डॉल, वहां से खरीदी? मन ही मन बड़बड़ाई मैरी। वो पायल से कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहां से चली गई और मैरी उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक ही पायल ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की और घुमाई और देखकर फिर से रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधे पर मैरी की और मुंह करके पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठते हैं। अचानक मैरी के देखते ही देखते उस डॉल की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी। मैरी एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई। दूसरे दिन ही मैरी उसी हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात पायल कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां से एक शापित डॉल, जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, गायब हो गई थी। जैसे ही मैरी को पता लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने पायल की वो डॉल घूमने लगी थी। मैरी समझ गई थी कि पायल के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहाँ म्यूजियम वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया उससे मैरी बहुत शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब लोग यहाँ की कलाकृतियाँ और पुरानी चीजें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रिस्ट ने बताया कि वो डॉल शापित थी और बहुत ही डेंजर थी। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल एक ईला नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी माँ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पकाकर खा गए, ताकि किसी को पता न चले कि उनकी हत्या किसने की। उन दोनों की आत्मा ही इस डॉल में आ गई। अब ये डॉल जब तक उन लोगों से बदला न ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया। इला का पिता तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या इला के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही की थी, और साथ ही ये कहने लगी कि जब इनसे बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद ब खुद यहाँ से आजाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आजाद हो गई, और इस डॉल की आजादी का कारण बनी पायल और उसकी फैमिली। उस दिन पायल अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही पायल ने इस डॉल को देखा तो अचानक ही ये डॉल उसे देखकर मुस्कुरा उठी।
और पायल उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी, लेकिन वहां के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब पायल अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई, तब अचानक ही वो डॉल पायल को अपने पास बुलाने लगी थी। पायल ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी। रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते चले गए। पायल फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। पायल के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के वश में थी। अचानक ही पायल उस शोकेस के कांच को खोलने लगी, लेकिन वो खोल नहीं पाई। रोजी और रॉबर्ट ने पायल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहां के वर्कर्स भी न जाने क्यों उस समय किसी गहरी नींद में चले गए। अचानक ही रोजी ने पायल को रोकते हुए कहा, पायल बच्चा अभी घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें लाकर देंगे। कहते हुए किसी तरह रोजी ने पायल को समझाया और वहां से ले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ चलने लगी। थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज में एक पोयम गाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, आ रही हूं मैं, आ रही हूं अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिल्लाती हुई वो डॉल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डॉल को उठाया और हवस भरी नजरों से देखने लगा। अचानक ही वो उस डॉल को चूमने लगा था। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। कहते हुए उसने उस डॉल का कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी अचानक वो डॉल भारी होने लगी। इतनी भारी की डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंधाड़ते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, तुझ जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मार डालूंगी। कहते हुए वो डॉल उस शराबी के पास आई और उसे एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में ही उस शराबी के दो टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो डॉल चिंघाड़ते हुए हंसी और उसके मांस के लोथड़ों के पास बैठकर खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी और आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो पायल के घर पहुंच गई और जहां पायल सो रही थी वही जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी, पायल पायल देखो मैं आ गई, तुमने मुझे बुलाया था ना, देखो अपनी
आंखें खोलो पायल। अपना नाम सुनकर पायल ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही पायल ने देखा कि वो डॉल उसके पास है, वो बहुत खुश हुई और उसको अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी और उससे बातें करने लगी। पायल, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ, वो डॉल धीरे से बड़े प्यार से बोली। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे पास ही रहना, कहते हुए पायल ने अपनी डॉल को गले से लगा लिया। इस बात को कुछ ही दिन बीतने के साथ ही पायल सबसे बहुत ही अजीब तरह का बिहेव करने लगी थी। रोजी और रॉबर्ट भी समझ नहीं पा रहे थे। कि पायल के साथ ये हो क्या रहा है। जो पायल हमेशा ही शांत रहती थी, उसकी स्कूल से कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आने लगी थी कि पायल लड़कों के साथ मारपीट करती है तो कभी स्कूल के छत की दीवार पर चलने लगती है। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो पायल ने उसे उसके झूले सहित नीचे गिरा दिया और अपनी डॉल को सुला दिया और वही उसके पास बैठकर अजीब अजीब से आवाजें निकलने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। उन्हें लगने लगा था कि हो न हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे पायल ऐसी हरकतें कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते, पायल की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस डॉल के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही पायल नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रही और अचानक ही हूं हूं की आवाज में चिल्लाने लगी। आवाजें सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि ये आवाजें छत से आ रही है। रोजी बहुत डर गई थी। उसने रॉबर्ट को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए। जैसे ही वो दोनों छत पर आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे। उन्होंने देखा कि पायल छत की दीवार पर दूसरी तरफ पाप किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और पास ही एक उल्लू मरा पड़ा था और बहुत दूर तक उसके पंख और खून ही खून बिखरा पड़ा था और पायल के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो बुरी तरह खा रही थी। उसे देखकर दोनों ही उल्टियां करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट, ये क्या था, उसे क्या हो गया, वो वहाँ क्या कर रही थी। रॉबर्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, इस लड़की को वही छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। सुन लो रॉबर्ट, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी बोली, तुम पायल को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने जूली को मार डाला और इला ने हमें देख लिया तो उसे भी मारना पड़ा, लेकिन पायल तो मेरी अपनी बेटी है, उसे कैसे मार दूं। तुम भी सुन लो, तुम पायल को कुछ नहीं करोगी, कल ही मैं पृष्ठ को लेकर आऊंगा, देखते हैं वो पृष्ठ क्या करता है, रॉबर्ट ने रोजी को समझाते हुए कहा। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक धमाका हुआ और वो डॉल उन दोनों के सामने आ गई और दहाड़ती हुई बोली, वो पृष्ठ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, तुम्हारी बेटी पायल मेरे कब्जे में है, मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे, कहते हुए डॉल उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगी और दोनों ही डर के मारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब होश आया तो सब कुछ शांत था, पायल भी अपने रूम में सो रही थी और छत पर भी कुछ न था।
ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। रॉबर्ट और रोजी शांत थे, ये सोच कर कि उन्होंने एक सपना देखा, लेकिन फिर भी रॉबर्ट चर्च से एक प्रिस्ट को ले आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है, और वो एक डॉल के रूप में है। डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट और रोजी ने मिलकर जुली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इला जो कि जुली के पहले पति की बेटी थी, उसने रॉबर्ट और रोजी को जुली को मारते हुए देख लिया था और डर के मारे सामने आ गई थी, तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उनके टुकड़े कर खा लिए। वो दोनों तो मर गए, लेकिन इला की आत्मा उसी की डॉल में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम ले गया और वहां मंत्रों से उसे बांध कर कांच के शो केस में बंद करवा दिया। दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे, तभी प्रिस्ट की आवाज से उनकी निद्रा टूटी। प्रिस्ट के कहे अनुसार उन्होंने उस डाल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, वो ये थी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे, लेकिन आज पायल ने वो डॉल फिर से निकाल ली थी। अचानक एक दिन जब मैरी कुछ सामान खरीद कर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में मैरी के अलावा और कोई भी नहीं था। डॉल को अपने सामने देखकर मैरी बहुत ही घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पायल तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बस मुझे बदला लेना है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, करोगी न मेरी हेल्प? वो डॉल लगभग मैरी के चारों तरफ उड़ती हुई चक्कर लगाती हुई बोली। डर के मारे मैरी की आवाज ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? बस इतनी सी कि तुम रॉबर्ट और रोजी को वही उनके उस पुराने घर में लेकर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना। कहते हुए उस डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कह डाली। इसका मतलब तुम पायल को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तब ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैरी ने डरते हुए डॉल से कहा। मैरी, तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं किसी साये से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कहते हुए वो डॉल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहां से हवा की स्पीड से गायब हो गई। मैरी बहुत डर चुकी थी, उसे अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक पायल वो डॉल रॉबर्ट और रोजी से छिपाकर मैरी के पास ले आती, लेकिन अब मैरी उससे दूर भी रहा करती थी। ये बात न तो पायल को अच्छी लगती, न ही उस डेंजर डॉल को। डोट गुस्से में आकर वो डॉल मैरी को परेशान करने लगी थी। कभी मैरी की स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती और कभी मैरी के कपड़े गायब कर देती तो कभी पानी गिरा देती, लेकिन उसने कभी मैरी के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर मैरी पायल और उस डॉल के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डॉल के बताए अनुसार मैरी रॉबर्ट और रोजी को उन्हीं के पुराने घर में ले आई थी और साथ में पायल भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनहूसियत छा गई थी। मैरी ये देखकर काफी परेशान भी थी, लेकिन कुछ बहना बनाकर वो पायल को बालकनी की तरफ लेकर चली गई। कुछ ही देर में वहां मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गए थे,
लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछाला और कांच की टेबल पर जा गिरा। ये देख रोजी वहाँ से भागने को हुई। उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकलने ही वाली थी कि डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया, लेकिन रोजी के एक हाथ डोर में ही फंस गया। रोजी जितना अपने हाथ को निकलने की कोशिश करती उतना ही उसका हाथ और जकड़ने लगता और अंत में उसका हाथ टूटकर वही दूसरी तरफ गिर गया। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देख वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल निकाल कर खाने लगी और रोजी बुरी तरह चीख रही थी और ऊपर ही मैरी और पायल उन्हें देख रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैरी ने पायल को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही। मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी मॉम को। डोर कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगे। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हुए वो डॉल रॉबर्ट की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आंते बाहर निकलने लगी। रॉबर्ट फिर भी जिंदा था। वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी मैरी और पायल सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकल लिया और दहाड़ मार कर हंसने लगी। रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उस दिल को रोजी के मुहर में ठूंस दिया। रोजी उल्टियां करने लगी थी और वो डॉल चिंघाड़ रही थी। अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून के फुवारे छूटने लगे थे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर पायल ने ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर मैरी पायल को लेकर चुपके से वहां से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी गए कहां, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। मैरी भी नहीं जानती थी मैरी की नींद टूटी। कोई उसे आवाज लगा रहा था और वो थी पायल। आज 6 महीनों बाद पायल बोली, मैरी आंटी मुझे बाहर जाना है, पायल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर मैरी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद पायल को बहुत गहरा सदमा लगा था। पायल ने बोलना खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीनों बाद पायल बोलने लगी थी, मुझे चर्च जाना है, लेकिन अकेले। थोड़ी गंभीर आवाज में पायल बोली और बिना मैरी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई। एक बार तो मैरी को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों बाद पायल को नॉर्मल देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि पायल अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले मैरी भी चुपचाप पायल के पीछे पीछे निकल ली। कुछ ही देर बाद मैरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर पायल उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी। दोस्तों, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी YouTube चैनल को। सब्सक्राइब करें।